क्या अमीर बनना आपका सपना है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? क्या आप चाहते हैं कि आप बिलियंस में पैसे कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है और पैसे की कद्र करके हम पैसे को कैसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस किताब को पढ़ने वाले लोगों की बात करूं तो एक किताब हर किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद आपके सोचने का तरीका बदल जाए। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ये किताब आपको अमीर बनने का एक पूरा विजन और एक पूरा रास्ता बताएगी। तो बात करते हैं बहुत ही फेमस बेस्ट सेलर बुक जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, अर्थात पैसों का मनोविज्ञान, जिसे मॉर्गन हाउजल ने लिखा है और एक बहुत बेस्ट सेलर बुक है। तो चलिए इस खूबसूरत बुक को बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के माध्यम से समझते हैं ताकि आप सबका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा जाग सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। पहला, कि अगर आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आपको $3 मिलियन मिल सकते हैं तो आप क्या चुनेंगे? अगर आपको रेपुटेशन और फ्रीडम के बीच में किसी एक को चुनने को कहा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? अब कई सारे लोग अपने आप से इसी तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि काश मेरे पास एक बंगला होता, काश मैं इतने ज्यादा पैसे कमा रहा होता, क्या मैं जितना अभी पैसे कमा रहा हूं वो मेरे लिए काफी है। अब इस तरह के सवाल लोगों को अक्सर बेचैन करते हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा ही है तो आप भी इस तरह के सवालों में ही परेशान रहते हैं, तो आपके इन सभी सवालों का जवाब इस बुक में आपको मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं इस बुक समरी की कहानी की कि कैसे ये बुक स्टार्ट होती है। तो ऑथर बताते हैं कि जब वो अपने कॉलेज में थे तब वो पैसा इकट्ठा करने के लिए वेटर का जॉब किया करते थे। वो जिस जगह पे काम करते थे वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल्स में एक था। एक दिन जब ऑथर अपनी जॉब पर थे तब उनकी नजर एक 20-21 साल के मिलेनियर पे गई। अब वो मिलेनियर काफी स्मार्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ होने की वजह से उस लड़के ने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे, और इसी के साथ उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए और कुछ समय बाद उन स्टार्टअप्स को भी उसने अच्छे प्राइस पे बेच दिया था। लेकिन फिर भी वो मनी मैनेजमेंट में कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करने की आदत थी। वो जहां भी जाता था अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था और शराब पीकर बड़ी बड़ी ढींगे हांकता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने के लिए गार्ड को बुलाया और उसे अपने नोटों की गड्डी में से कुछ पैसे निकालकर सामने वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड जब दुकान पर पहुंचा तब दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिए। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कुछ यंग मिलेनियर ने गोल्ड कॉइन्स को संभाल के रखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस लड़के ने गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में फेंक दिया और इस काम में उसके दोस्त ने भी उसकी सहायता की। वो लड़का समुद्र में इस तरह से सिक्के फेंक रहा था जैसे बच्चे तालाब में पत्थर फेंकते हैं। और इस घटना के कुछ समय बाद जब वो मिलेनियर फिर से होटल में आया तब वो होटल के लैम्प से टकरा गया और जिसकी वजह से वो लैम्प टूट गया। लैम्प टूट जाने की वजह से होटल मैनेजर ने उस लड़के को $500 का खर्च बताया, जिस पर उस लड़के ने फिर से तमाशा कर दिया और अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उसने होटल के मैनेजर के मुंह पर $5,000 मारा और कहने लगा कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आप अब तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये कहानी सच है, ऐसा तो कोई कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये कहानी बिल्कुल सच है। इस कहानी के अंत में यंग मिलेनियर, जिसे पहले तो पैसों का बहुत घमंड था लेकिन बाद में उसके साथ बहुत ही बुरा होता है, वो लड़का पैसे के नशे में अपना सारा पैसा खो देता है और अंत में उसका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही साल में उसने जितने भी पैसे कमाए होते हैं वो सारे पैसे बेकार की चीजों पे उड़ा दिए जाते हैं। और जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो दोस्त जो पहले उसके साथ पैसों को बर्बाद करते थे, मजे करते थे, वो भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह की कई अच्छी कहानियां आपको इस बुक में आगे जानने को मिलेंगी जो ये बताती हैं कि मनी ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जिसको लेकर आप घमंड दिखाएं, बल्कि पैसा तो एक ऐसी चीज है जो आपकी कई चीजों को करने में मदद करती है।
आसान भाषा में कहें तो पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसका उपयोग करके हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। तो चलिए अलग अलग पार्ट से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से पूरी बुक समरी को और डीपली समझते हैं। इस किताब का हर एक अध्याय इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और रवैये को दर्शाता है। कुछ व्यवहार अच्छे नतीजों को जन्म देते हैं, जबकि दूसरे व्यवहार विफलता को। तो चलिए इस किताब के 12 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर अपने आप एक अमूल्य कुंजी है। तो पहला चैप्टर है, इस दुनिया में कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान की सोच अलग होती है और किस तरह यह दुनिया काम करती है, आपका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है, कई हालात, कई वैल्यूज, इसकी वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से 0.01% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकता, चाहे आप कितना भी पढ़ ले या खुले विचार वाले हों। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें तो कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है और इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पे रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा लेसन राइटर जो हमें बताते हैं वो ये है कि भाग्य और जोखिम दोनों ही साथ ही साथ काम करते हैं। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक कहते हैं कि बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डगलस की कोशिश नहीं होती जिन्होंने उस समय एक $3,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सफलता मिलती। गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में तीन बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो आपस में दोस्त भी थे, जिनका नाम था बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवांस। केंट एवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनके ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई और इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ राइटर ये बताना चाहते हैं कि किस्मत और जोखिम लेना ये दोनों वो वास्तविकता है जो हर एक की जिंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजों पे असर डालती है। ये दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर बड़ा अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात जो राइटर बताते हैं और सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि कभी भी पर्याप्त नहीं है। ये एक कहानी है, लेकिन कर्ट वॉन्गट और जोसेफ हैलर की जो एक अरबपति की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हैलर अपने लोकप्रिय उपन्यास से आज तक नहीं कमा पाया है। हैलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा और वो है काफी, अर्थात एनफ। तो जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती और आपको इसे सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। तो काफी होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीजें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उसे कितना ही फायदा क्यों ना हो। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी, जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने। चौथा महत्वपूर्ण लेसन है उलझा, अर्थात कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसे के पीछे एक साधारण सा तथ्य है, वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं है, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे और इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपके रहते हैं और लंबे समय तक में दोहरा सके। और यहाँ पर
कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीज है और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और अपने आप को वहां रखने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है और इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। और ये भय होता है कि आपने जो बनाया है वो आपसे उतनी ही तेजी से छीना भी जा सकता है। पांचवा लेसन है अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसे पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियां चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को उसमें जोक देने की जरूरत होती है। और पैसा बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक इसके उल्टा भी हो सकता है। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मॉरिट्स जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते, हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, हम ये मान कर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। तो एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला है फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं, इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सके और गेम में लंबे समय तक बने रहें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। दूसरा है प्लानिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितना आपको अपने प्लान को सफल बनाने के लिए खास चीज की जरूरत होगी उतना कमजोर आपका प्लान होगा। और तीसरा आने वाले कल को लेकर आशावादी अर्थात ऑप्टिमिस्टिक रहें, पर सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी हमेशा सचेत रहें। छठा लेसन है टेल्स अर्थात आप जीत गए। कैसे आप अपनी जीत की स्ट्रैटेजी को टेल्स के माध्यम से बना सकते हैं? ये एक आर्ट कलेक्टर हाइंज बर्गरन की कहानी है जिन्होंने पिकासो, क्लीज और अनेकों अद्भुत कलाकारों की अद्भुत संग्रहों को इकट्ठा किया। लोग उनके कला में निवेश करने की कला से भौचक्के रह जाते थे। सच्चाई ये भी थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में कला खरीद लिए थे और उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा मूल्यवान था। लेकिन उनका कहना था कि वो कितनी बार गलत हो जाते थे लेकिन आखिर में परिस्थितियां ऐसी बनती थी कि वो सही निकलता था। कोई भी चीज जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वे एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे कि अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है तो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं, कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं, कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेली बिजनेस इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। सातवां लेसन जिसका नाम है कि धन वो है जो आप नहीं देखते। वेल्थ वो फाइनेंशियल असेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो गई है। हाउसल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 million खर्च करना चाहते हैं। $1 million खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच हैं, बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच हैं। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। और वेल्थ का मतलब है कि वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है। आठवां लेसन है पैसे को बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद तीन तरह के लोग होते हैं, एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं, और तीसरे वो जिनको नहीं लगता है कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं इसके बारे में चिंता ना करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है।
आगे बात करेंगे नवे लेसन की, जिसका नाम है उचित तर्क संगत और त्रुटि की गुंजाइश। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर ना रहें, उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज्यादा रियलिस्टिक है, इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सैगन जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं कहते हैं, चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती हैं। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती है। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि वो संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितों के साथ नहीं है। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीजों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये एक लौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है। आपके निश्चितताओं से ऐसी चीज के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख ही नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेल्योर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें, फेल्योर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और जरूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेसन 10 बताता है कि आप बदल जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की जरूरतें चाहते वो नहीं होती हैं जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की जरूरतें और चाहते होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान बदलाव होने के लिए ही बना है? आज जो आपके लिए मायने रखता हो सकता है आने वाले 10 सालों में उसका कोई मतलब ही ना रहे। तो डूबा हुआ लागत अर्थात संक कॉस्ट बीते हुए कल के बुरे फैसलों को आगे बढ़ाते जाना चाहिए, जिसकी भरपाई होना आप संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी जिंदगी के बड़े फैसले लेता है, जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेलियर हो गया। अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं, लेकिन आप बहुत पैसा लगा चुके हो। बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत है, संक कॉस्ट है। जरूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी कई चीजों के लिए जानना है कि उसकी कीमत क्या है, उसे चुकाने के लिए तैयार रहना। सफल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीजों को अनदेखा करना आसान है जब तक हम मसली में से फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोगों में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गवा भी दूं तब भी मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं तो चीज अलग दिखती है। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आगे बात करते हैं 11वें लेसन की, जिसका नाम है निराशावाद का प्रलोभन। निगेटिव सोच सिर्फ सकारात्मक सोच से ज्यादा आम नहीं है, उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। यह आपको बुद्धिमत्ता के तौर पर बंदी बना लेती है और हम इस पर सकारात्मकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो आपसे वो दूर निकल लेंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पे खतरा है और उनको आपकी पूरी अटेंशन मिलने लगेगी। डेनियल कैनहैम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता का एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिज्म खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानकर काम करते हैं। उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज्यादा बनते हैं। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका, आवश्यकता अनुष्कार की जननी है और मानवता अंततः रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को नए समाधान के साथ जवाब देते हैं। खतरों के साथ समान परिमाण के समाधान भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नकारात्मक विचार द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात बहुत सारी ट्रिटीज होती है, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है।
डिस्ट्रक्शन होते हैं, फेल्योर के सिंगल पॉइंट जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में ही होता है। आखिरी लेसन है कबूल नामा, जिसे हम कन्फेशन भी कहते हैं। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउसल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपने 20% एसेट कैश में रखते हैं, जिससे कि उनकी घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मंगर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना बजट के रोक टोक ना किया जाए। हाउसल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउसल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, ये बहुत मुश्किल है, और जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हर इन्वेस्टर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिसके लक्ष्य पाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। तो ये वो 12 नियम थे जो आपको पैसों के मनोविज्ञान के बारे में बताते हैं। तो आशा करती हूँ यदि आप इन नियमों को अपनाते हैं तो शायद आप भी फाइनेंशियली सिक्योर हो सकें। पैसे को कैसे और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, या अपने पैसे को कैसे और इन्वेस्ट अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कैसे अपने और पैसे को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप हमारी एक और बुक समरी रिच डैड एंड पुअर डैड को जरूर देखें। मस्ट वॉच बुक समरी है और आपको पैसों के बारे में निश्चित रूप से बहुत कुछ बताएगी। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आप सभी को पसंद आई होगी। फिर ऐसे ही किसी बहुत ही अच्छी बुक समरी के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।